हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिरिज़मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल खैरियत से। देख रहे हैं कहीं जा रही हूँ तो जी बिल्कुल, आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मॉडल वेयर्स डिफरेंट तरीके से, क्योंकि हमेशा मैं एक एक ड्रेस आपको दिखाती हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो आपको बता दी जाए। लेकिन आज का स्टॉक दो लड़के आपको खोल के दिखाएंगे सारा, और जल्दी जल्दी से वीडियोज़ मैं आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको कोई भी आउटफिट पसंद आता है तो पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को, और वो आपको मज़ीद उनकी मॉडल पिक्चर्स वगैरह शो करवा सकते हैं, और आपको मुकम्मल उसकी प्रॉपर सेपरेट वीडियो भी मिल सकती है। तो चले आए लाइव सेशन का स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह आज की वैरायटी आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ऑर्डर करने का तरीकाकार यह है कि ऊपर ये जो पिक्चर लगी हुई है जिस पर रिज़्माज़ कलेक्शन ऑनलाइन का लोगो है, उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहाँ पर आपको प्रॉपर हमारी टीम जो है वो आपको गाइड करती है आप मेजरमेंट्स के हवाले से और आर्टिकल की अवेलेबल।
जनाब यहाँ से मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो अक्सर आप लोग सवाल करते हैं। ये तो कलेक्शन थी जो मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाई जा सके, और आपको वीडियो किस तरीके की ज़्यादा पसंद आई है ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर ज़रूर बताना है। आप लोग डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देख सकते हो, ये वीडियो सेव कर सकते हो, आपने अनस्टिच वॉल्यूम्स को स्टिच करवाना है, आप इन आइडियाज़ को टेलर्स को दिखा के बिल्कुल सेम ऐसा ही डिज़ाइन करवा सकते हो। हाँ, ये नहीं हो सकता स्टिचिंग कॉस्ट ना पड़े, क्योंकि इनमें आपको स्टिचिंग कॉस्ट नहीं पड़ रही होती, लेकिन आप अगर खुद से सिलवाएंगे तो उसमें आपको अच्छी खासी अमाउंट टेलर को जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, ये वॉल्यूम भी आप लोग देख रहे हो। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को आज की एक और चीज़ दिखानी है कि मैं किस तरीके से पैकिंग्स करती हूँ, किस तरीके से हमारी ड्रेसेस जो हैं वो पैक होकर कस्टमर्स के डोर स्टेप तक जाते हैं। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा पेज, हमारी जो कलेक्शन है रिजमास कलेक्शन, वो किस तरीके से काम करती है। तो जैसे कि ये और अब वो आउटफिट्स हैं जिनका मैंने लाइव सेशन किया था और ये हो चुके हैं सेल। इनका क्लिप लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि हम लोग किस तरह से पैकिंग्स करते हैं और किस तरह से इनको डिस्पैच करते हैं। तो ये आउटफिट है जी, बहुत खूबसूरत सा लॉन का, इसके साथ देखें एक्सेसरीज बहुत खूबसूरत अटैच हुई है, और ये वाला आर्टिकल जो है ये यहाँ पे स्टिक पैकिंग हो रही है। पैकिंग इस सारे आर्टिकल्स जितने साइड पर रखे हैं ये सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। और ये अगर आप शॉपिंग बैग्स देख रहे हैं तो इस तरह से स्लिप्स को प्रिंट किया जाता है और उसके बाद उनको ऊपर अटैच करके डिस्पैच किया जाता है। दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप लोगों को जो चीज़ दिखाई जा रही है वही डोर स्टेप पे डिलीवर की जा रही है, क्योंकि मोस्टली जो ऑनलाइन पेजेस हैं वो दिखाते कुछ हैं भेजते कुछ हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये लड़की जो है वो अच्छे से उसको पैक करेगी, उसके बाद हम लोग शॉपिंग बैग्स पे उसको रैप करेंगे। रैप करने के बाद उसके ऊपर प्रिंटर से प्रिंट करके स्लिप्स निकलती हैं जिसमें कोड अमाउंट मेंशन की जाती है, उसमें एड्रेस मेंशन किया जाता है। और ऐसे में कई कस्टमर्स हमें ऐसे भी मिलते हैं जो पार्सल्स मंगवाते हैं और पिक नहीं करते तो वो रिटर्न में वापस आ रहे होते हैं। खैर, हर एक का अपना अपना ज़र्फ है, हर कोई बंदा एक जैसा होता भी नहीं है, इसलिए बिज़नेस में फिर प्रॉफिट एंड लॉस तो साथ साथ चलता है। लेकिन प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी का भी टाइम जो है वो कीमती होता है, चाहे वो आपका हो चाहे हमारा हो, तो किसी का टाइम वेस्ट नहीं करें, क्योंकि अभी यहाँ पे तो कोई आपसे नहीं पूछेगा लेकिन अल्लाह ताला तो ज़रूर पूछते हैं। खैर, मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों के साथ अपनी कलेक्शन शेयर करने का, और मुझे पर्सनली, मैं समझ लें मैं खुद अब बहुत बड़ी ड्रेस डिज़ाइनर बन चुकी हूँ, क्योंकि डिफरेंट डिज़ाइनर्स के आर्टिकल्स होते हैं मेरे पास और मैं उनके डिज़ाइंस वगैरह देखती रहती हूँ। तो मुझे अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को रिजमास कलेक्शन की अपनी कलेक्शन भी दिखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जो ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ स्मॉल से मीडियम को ही क्यों देते हैं, हम लार्ज वाले या एक्सेल वाले कहाँ जाएँ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द उन लोगों का गिला उतरने वाला है। ये देखें जी आउटफिट कितना खूबसूरत है, फुली एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा, और इसके साथ हैं जी अच्छी खासी एक्सेसरीज। अब आप देख रहे होंगे कि ये आयरन क्यों नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है कि बहुत प्योर लॉन है और अब मेड्स अक्सर कपड़े जला देती हैं तो वो हो जाता है सीधा सीधा लॉस, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डेली बल्क में 100-150 सूट जो है वो प्रेस कर सकूँ। तो इस तरीके से जो लगता है उसको हम हल्का हल्का लाइट लाइट प्रेस करके यानी कि स्टीमर से फिर भिजवाते हैं। ये है जी आज की हमारी कलेक्शन, वीडियो कैसी लगी बताइएगा। ये अभी सारे आर्टिकल्स हैं जो साइड पे हैं, ये सारे अभी पैक होंगे, वो उधर लास्ट में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, वो कल की डिस्पैचिंग के ऑर्डर्स हैं जिसकी लोगों ने देखा है। माल खुल रहा था, रात हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने सोचा था कि बाद में सेपरेट सेपरेट बनाने से बेहतर है कि ज़्यादा से वॉल्यूम्स जो खुल रहे हैं उनकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मुझे ये भी फीडबैक में आप लोगों ने बताना है कि वीडियोस जैसे पहले मैं शूट करती हूँ वैसी ही होनी चाहिए, जिस तरह आज की वीडियो है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। लीजिए जनाब, आप आज का लाइव सेशन देख चुके हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगी, लेकिन फीडबैक में बताइएगा ज़रूर कि आज के वॉल्यूम्स और आज की कलेक्शन आपको कैसी लगी है, मज़ीद कौन से ब्रांड्स जो हैं वो होने चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।